दोस्तों, आपने मीडिया में केरला मॉडल टर्म तो जरूर सुना होगा, द केरला मॉडल ऑफ लिटरेसी, द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, द केरला मॉडल ऑफ हैंडलिंग निपा वायरस आउटब्रेक, और हाल ही में फेमस हुआ केरला मॉडल ऑफ हैंडलिंग द कोरोना वायरस स्प्रेड। इतना ही नहीं, सालों से इंडिया में केरला लगभग सभी इंडिसेस जैसे सेक्स रेशियो, प्राइमरी एजुकेशन, लोवेस्ट प्रेग्नेंट मदर मोर्टेलिटी रेट, फॉरन रेमिटेंस को टॉप करता आया है। दोस्तों, कई लोग केरला के सक्सेस का कारण गल्फ कंट्रीज से आ रहे फॉरन रेमिटेंस को मानते हैं। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के मुताबिक केरला माइग्रेट करने वाले 90% लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज में ही सेटल होते हैं। केरला से गल्फ कंट्रीज में माइग्रेशन एक डिकेड लॉन्ग फिनोमिनन है। इसकी शुरुआत 1960s में हुई थी, जब पर्शियन गल्फ को अपने ऑयल वेल्स के लिए चीपर लेबर की जरूरत थी। आज केरला की लगभग 30 मिलियन पॉपुलेशन गल्फ कंट्रीज में सेटल्ड है, जो हर साल 1 ट्रिलियन रेमिटेंस अपने घर केरला भेजते हैं। बोट्स और ढोस से शुरू हुई मास वेव्स ऑफ माइग्रेशन के कारण गल्फ कंट्रीज और केरला के बीच इमिग्रेशन फैसिलिटेट करने के लिए आज स्टेट में मल्टीपल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसे केरला एक्सोडस को देखेंगे। हम उन कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से केरला के लोगों को गल्फ कंट्रीज में जाना पड़ा। इसके साथ हम इस एक्सोडस के इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, स्पाइसेस की ट्रेडिंग के कारण केरला और गल्फ कंट्रीज का सालों पुराना रिलेशन है। 4th century BC से अरब ट्रेडर्स स्पाइसेस की ट्रेडिंग के लिए केरला आते रहे हैं, और अक्सर मलयालीज अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए इन ट्रेडर्स के साथ मिडिल ईस्ट जाया करते थे। ये ट्रेड रिलेशन सबसे अहम कारण है गल्फ माइग्रेशन के थ्रू हुए केरला के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दोस्तों, केरला के वर्कर्स के मास माइग्रेशन की कहानी मिडिल ईस्ट के रिसोर्स कर्ज से शुरू होती है। मार्च 1908 में जियोलॉजिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड रेनॉल्ड्स ने अपनी काफी सालों की मेहनत और फेलियर्स के बाद पर्शिया यानी मॉडर्न डे ईरान में ऑयल की डिस्कवरी की। 1909 में UK बेस्ड ऑयल कंपनी बर्मा ऑयल ने पर्शिया में ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए अपनी एक सब्सिडरी कंपनी एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी स्टैब्लिश की। DRK ऑयल कंसेशन एंड रॉयल्टी टर्म्स के तहत ईरान को नेट प्रॉफिट का सिर्फ 16% मिलता था। जल्द ही एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के रॉयल्टी टर्म्स के अगेंस्ट पॉलिटिकल ओपोजिशन और प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, जिसके कारण ईरान में पॉलिटिकल डिसकंटेंट क्रिएट हो गया। 1914 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ब्रिटेन और USSR ने ईरान पर आक्रमण कर ईरान के रूलर रेजा शाह को एग्जीक्यूट कर दिया। रेजा शाह के एग्जीक्यूशन के बाद उनके बेटे रेजा पहलवी, उन्हें ईरान का रूलर बना दिया गया। रेजा पहलवी को ब्रिटेन का समर्थक माना जाता था। ब्रिटेन रेजा के थ्रू ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहता था। वर्ल्ड वॉर सेकंड के कारण मिडिल ईस्ट, स्पेशली ईरान में क्रिएट हुए नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट्स बढ़ रहे थे, जिसके कारण ईरानियन पार्लियामेंट ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला किया। ईरानियन पब्लिक ने मोहम्मद मुसादेक एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया, जिससे शुरुआत हुई अबडान क्राइसिस की। अपडान क्राइसिस से 1951 से 1954 के बीच हुए थे, जब ईरान ने BP कंट्रोल्ड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी में अपने ईरानियन एसेट्स को नेशनलाइज कर वेस्टर्न कंपनीज को अबडान की ऑयल रिफाइनरी से एक्सपेल कर दिया था। ब्रिटेन ने मोसादेक को पावर से हटाने की कई कोशिशें की। ब्रिटेन और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोसादेक को हटाकर रेजा पहलवी को फिर से ईरान का रूलर बनाने के लिए कू की प्लानिंग की। 19 अगस्त 1953 को ईरान में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादेक की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा मोहम्मद रेजा पहलवी को एक बार फिर से पावर में लाया गया। 1954 ईरान में एक प्रो वेस्टर्न लीडर की मदद से ऑयल प्रोडक्शन फिर से शुरू किया गया, और इस बार इस प्रोडक्शन को सेवन सिस्टर्स नाम के एक न्यू कार्टल कंट्रोल कर रहा था। सेवन सिस्टर्स कंसोर्टियम फॉर ईरान कार्टल को कंट्रोल करने वाली सेवन ट्रांसनेशनल ऑयल कंपनीज के ग्रुप्स को कहा जाता था। ये सेवन सिस्टर्स mid-1940s to mid-1970s तक ग्लोबल पेट्रोलियम इंडस्ट्री के 85% ऑयल रिजर्व्स को डोमिनेट कर रही थी। 1973 में हुई अरब इजरायली वॉर ने ऑयल क्राइसिस को जन्म दिया था, जिसके कारण हुए प्राइस हाइक की वजह से हो रहे लार्ज रेवेन्यू ने मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को तेजी से ग्रो करने में मदद की। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने एक सोशल चेंज देखा। वेस्ट एशियन कंट्रीज में इस सोशल चेंज के कारण बड़ी संख्या में फॉरेन वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इंडिया, स्पेशली केरला से वर्कर्स ने माइग्रेट करना शुरू किया।
केरला से गल्फ के लिए फर्स्ट एक्सोडस 1960s में मिडिल ईस्ट के ऑयल रिच होने के बाद शुरू हुआ था। उस वक्त इंडिया के साथ साथ केरला भी हार्श इकोनॉमिक कंडीशंस फेस कर रहा था। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट के कारण केरला के कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट जाने का फैसला किया। 1970s में केरला से गल्फ जाने वाले वर्कर्स को ड्रिलिंग साइट्स, रोड कंस्ट्रक्शन और कैमल फार्म्स जैसे जगह पर काम करने के लिए इंडिया के कंपैरिजन में हाई वेजेस मिलते थे। यूजुअली वर्कर्स अपनी सैलरी का अधिकांश हिस्सा अपनी फैमिली को भेज दिया करते थे। इस हाई अर्निंग से ये सक्सेसफुल माइग्रेंट्स अपने विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले यूथ के लिए रोल मॉडल बन गए। इन माइग्रेंट्स की सक्सेस को हम एमए यूसुफ अली की सक्सेस स्टोरी से समझ सकते हैं। 1973 में केरला से खाली हाथ पर्शियन गल्फ गए एमए यूसुफ अली आज रिचेस्ट मलयाली और फोर्ब्स की लिस्ट में 100 रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट में 24th पोजीशन पर हैं। 1970s में ऑयल क्राइसिस के बाद जो मिडिल ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बूम देखा गया तो वहां वर्कर्स की भारी डिमांड क्रिएट हुई। इस डिमांड को देखते हुए वहां काम करने वाले केरला के वर्कर्स ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मिडिल ईस्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब ढूंढने और वहां सेटल होने में मदद की। केरला की लगभग 10% पॉपुलेशन यानी 30 मिलियन मलयालीज मिडिल ईस्ट में सेटल्ड थे। आज ये 30 मिलियन लोग केरला की जीडीपी के मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे गल्फ कंट्रीज में काम करने वाले मलयालीज अपने घर केरला हर साल लगभग 1,00,000 करोड़ रुपीज भेजते हैं। जनवरी 1991 में केरला को गल्फ कंट्रीज से 3,025 करोड़ रुपीस के रेमिटेंसेस रिसीव हुए थे, तो वहीं 2018 में ये वैल्यू 85,000 करोड़ रुपीस हो गई। गल्फ कंट्रीज से आने वाली रेमिटेंसेस यूजुअली डेली हाउसहोल्ड कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, एक्विजिशन ऑफ लैंड्स, एजुकेशन और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज किए जाते हैं। लार्ज स्केल माइग्रेशन और रेमिटेंसेस फ्लो के कारण एक कॉमोडिटाइज इकोनॉमी और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन आज केरला की सोसाइटी के इंटेग्रल फीचर बन गए हैं। केरला की सोशल और कल्चरल लैंडस्केप माइग्रेटरी प्रोसेस और रेमिटेंसेस से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। केरला के हाउसहोल्ड्स को आज वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स और हाई कंजम्पशन लेवल्स के लिए जाना जाता है। फॉरेन गुड्स केरला में एक नेसेसिटी है और सोसाइटी में एक स्टेटस सिंबल बन गई है। केरला की सोसाइटी गल्फ माइग्रेशन के कारण कंज्यूमरिज्म की तरफ शिफ्ट हो गई है। इमिग्रेंट्स की फैमिलीज द्वारा लैंड खरीदने और केरला में लग्जरी हाउस बनाने के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट में रेमिटेंसेस को चैनलाइज किया गया है। इसके कारण केरला की लैंड वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हुई है। केरला की इकोनॉमी को इस माइग्रेशन से प्रॉफिट हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मार्केट के कई नुकसान भी हैं। जैसे इस माइग्रेशन के कारण केरला में फेक डॉक्यूमेंट्स के इलीगल मार्केट ने अपनी जगह बना ली है। इन गल्फ कंट्रीज में काम करने के वीजा के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। आज केरला में फेक एनओसी का एक पूरा मार्केट स्टैब्लिश हो चुका है, जिसमें ट्रेवल एजेंट्स, मनी लेंडर्स से लेकर पासपोर्ट प्रोवाइडर्स तक शामिल हैं। इस एक्सोडस के कारण केरला में क्रिएट हुए वर्कर्स की शॉर्टेज केरला के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी असर डाल रही है। आज केरला में इस शॉर्टेज को वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, उड़ीसा, असम और झारखंड जैसे स्टेट्स के 25,00,000 से भी अधिक अनस्किल्ड लेबर्स पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, माइग्रेशन के कारण सोशल रेमिटेंसेस का इम्पैक्ट रिलीजियस स्पीयर्स पर क्लियरली विजिबल है। केरला में रहने वाले सीरियन क्रिश्चियंस वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन सेक्ट्स में से एक हैं। इस एक्सोडस के कारण हुए केरला में सीरियन क्रिश्चियंस के अमेरिकनाइज वर्जन के लिए गल्फ कनेक्शंस डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए ये वर्कर्स अक्सर अपने वीजा के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे एनओसी के लिए लोगों को लोन लेना पड़ता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में काम ढूंढना आसान नहीं होता था। कई लोगों को काम ना मिलने के कारण और एनओसी की वजह से बढ़ते हुए लोन इंटरेस्ट को देखते हुए खाली हाथ इंडिया वापस आना पड़ता था। जिन लोगों को एनओसी बनवाने के लिए लोन नहीं मिल पाता था, उन्हें इन गल्फ कंट्रीज में जाने के लिए इलीगल रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता था और वैलिड वीजा पर ट्रैवल ना करने के कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ता था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका पासपोर्ट उनके एजेंट या एम्प्लॉयर द्वारा कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था। इतना ही नहीं, इस एक्सोडस का इम्पैक्ट केरला में रह रहे लोगों की लाइफ पर भी देखा गया। 1980s के बाद केरला के मिडिल क्लास मैरिज मार्केट में एनओसी सबसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन गया। जिन लड़कों के पास एनओसी था, उनसे शादी करने के अगेंस्ट में ह्यूज डावरी मांगी जाने लगी। अर्ली 1980s में रियल गल्फ बूम स्टार्ट हुआ, जब गल्फ कंट्रीज में माइग्रेट करने वाले लेबर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स में ब्लू कॉलर और स्किल्ड वर्कर्स जैसे नर्सेस, टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स भी शामिल हो गए थे। धीरे धीरे इस एक्सोडस में विमेन प्रोफेशनल्स भी शामिल हो गईं।
लेकिन आज सवाल यह है कि अगर 50 साल पहले ये मास माइग्रेशन स्टार्ट नहीं होता तो क्या केरला और वहाँ रहने वाले मलयालीज फिर भी फाइनेंशियल और सोशल इतना ग्रो कर पाते। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम के प्रोफेसर इरुदया राजन का मानना है कि उस केस में केरला एक लिटरेट मिलिटेंट एक्सप्लोजिव स्टेट की तरह होता जहाँ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर होता और केरला सिर्फ एक पॉलिटिकल और कम्युनल टिंडर बॉक्स बनकर रह जाता। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जहाँ पर मैं डिस्कस किया कैसे एक एक्सोडस ने केरला के इंडस्ट्रियल बूम को हेल्प किया और वहाँ के वर्कर्स को गल्फ कंट्रीज में जॉब ढूंढने में मदद की। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ रेमिटेंसेज फ्रॉम द गल्फ हैव लेड द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ केरला डिस्कस द पॉलिसीज थ्रू विच इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।